हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, अभी एक बजने वाले, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे। छोटी वाली दीदी को आना है तो मैं सोच रही थी कि उनके आने के पहले सारा काम मतलब खत्म हो जाए, जिससे कि जब वो आए ना थोड़ा टाइम बैठने को मिले, वरना फिर क्या होता है किचन में ही लगे रहो। तो आज पापा जी का बर्थडे भी है तो उसका भी सेलिब्रेशन रात में होगा, तो दीदी लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद प्लान होगा। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मेरा वीडियो भी एडिट नहीं हुआ, तो मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। और कल रात में काफी लेट हो गया था सोने में, क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी। तो मैं आपको दिखाऊँ मेरे मेहंदी कलर कैसा आया है, ये रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे इससे ज्यादा डार्क हो जाती है ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मेहंदी तो मैंने लगा लिया था, क्योंकि इस बार इतना कन्फ्यूजन है कि 11 को आज 11 है डेट, 11 को है रक्षाबंधन की 12 को है, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इस बार त्योहार ऐसा लग ही नहीं रहा। एक तो घर में वैसे भी भीड़ नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, और ऊपर से 11 और 12 वाला एक चक्कर पड़ रहा है कि 11 को बांधना है कि 12 को बांधना है, तो और ज्यादा टेंशन हो रही है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने। तो दीदी लोग अभी आने ही वाली है तो मैंने पानी रख लिया है पहले से ही उतारने के लिए। यहाँ पे मैं उनके आने के पहले मैंने भाजी भी तैयार कर लिया, क्योंकि जब वो आ जाएंगे ना थोड़ा टाइम मिल जाएगा बैठने के लिए, वरना फिर क्या होता है पूरे टाइम किचन में ही लगे रहो। कि आने के पहले मैंने चाय भी चढ़ा दी है, तो मैंने अपने ही वाले काम ना खत्म कर दिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल पाए उनके साथ बैठने का, इसी के साथ खेलने के लिए। दीदी लोग आ गई है तो अभी हम जा रहे हैं उनको पानी देने। चाय मैंने पहले चढ़ा दिया था और बंद कर दिया था क्योंकि लेट हो गया, तो अभी चाय भी देंगे। वही आ गई है हमारे यहाँ मिट्टी भी रक्षाबंधन मनाने, और सारे लोग आ चुके हैं क्योंकि वो अभी आ गई है, राखी नहीं लाई है। खुशी देखिए, मान्या तो खुशी देखिए, मान्या की खुशी का तो ठिकाना नहीं है ना। देखो नीचे तो बैठेगी नहीं मान्या, बिल्कुल नहीं, पैरों में तो उनके स्प्रिंग लगा हुआ है, देखना सब लोग लगे हुए अपने अपने फोन पे। ये अकेले जाती है। अभी मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि राखी अभी मनाई जा रही है। 8:35 से लगा था शुभ मुहूर्त, तो अभी 9 बजने वाले हैं, तो अभी जा रहे हैं दीदी अभी हम लोग की राखी बांधेंगी। अपने यहाँ से वो बनवाई थी अपने नंद से, तो अभी हम लोग का भी होगा और कल भी मनेगा रक्षाबंधन। तो मान्या को तो मैंने तैयार कर दिया, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, तो अभी चलते हैं राखी बंधवाते हैं। अब क्या दिया? अरे मिंटी ले, मिंटी हाँ पानी थोड़ा सा ले, गीला कर दे। मिंटी का किसी लिए ना शौक बड़ी चीज है, पूरा पूरा खा लो, पूरा खाओ। ये तो वीडियो बना लिया है, ठीक है। मतलब आप मम्मा पापा कोई एक तो
दीदी अब डोरेमोन की पॉकेट लाई है ना उनकी बना दी। सब रिकॉर्ड हो रहा है चेतन, बाद में खाऊंगा। ये भी हमने सुन लिया है। एडिटिंग कैसे हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगी? चरणों में गिरो एकदम। कल जल्दी आना मिंटी, ठीक है? पूरे दिन के प्लान में मम्मी को भी ले गया। ठीक, रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हो गया, राखी वाखी भी बन गई है, अब खाने का टाइम हो गया। तो मैंने भाजी तो पहले ही बना लिया, तो सब जा रहे हैं पाव सेक के, सबको खाना खिला देते हैं। क्या उनको कुरकुरे नहीं चाहिए होता है? हर चीज इनके सॉफ्ट खाती है, इसलिए दांत नहीं टूट रहा है। फिर कहेगी मेरे दांत क्यों नहीं टूट रहे हैं? हर चीज सॉफ्ट खाओगे, दांत में कोई जोर नहीं पड़ रहा तो कैसे टूटेंगे? तुम्हें गन्ने खाने नहीं, अमरूद तुम्हें ऐसे करके खाने नहीं, हर चीज काट के खाना है। सेब का भी जानती नहीं हूँ खाने, छिलके हटा के खाने, कैसे दांत टूटे? ब्रेड के वो साइड वाले हटा, ब्रेड के साइड वाले हटा के खाना है, सब कुछ तुम्हें सॉफ्ट खाना है, दांत टूट जाएगा, डॉक्टर ही तोड़ेगा। सारे लोगों की सोने की व्यवस्था हो गई है, सब लोग नीचे सो रहे हैं, हम लोग ऊपर हैं। तो अभी इस टाइम पे 1:30 बज रहे हैं और अब मैं बहुत थक गई हूँ, तब जा रही हूँ सोने। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।